शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। माननीय न्यायालय द्वारा सेवायोजन कार्यालय के पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने के आदेश के विपरीत त्रिवेंद्र सिंह सरकार की कमजोर पैरवी पर सवाल या प्रश्न खड़े करते हुए पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य की त्रिवेंद्र सरकार के पैरोकारों फौज जिस प्रकार से जनहित मुद्दों से मात खाती जा रही है उससे राज्य सरकार के अनुभव और कार्यशैली का अंदाजा लगाया जा सकता है। पैरोकार सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत के व्यक्तिगत मामले में दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे हैं। लड़के जो अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है वही इसमें अप्लाई करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा तो मिला है। सेवायोजन कार्यालय एक ऑथेंटिक वो है, हमारा कहना पहले भी था कि जो आउटसोर्स है उसमें भी आप ऑथेंटिसिटी लाओ कि सेवायोजन कार्यालय से आप नाम मांग लो। उसमें क्या हो रहा है कि जो आदमी पहले पंजीकृत हुआ है, जो पुराना पंजीकृत हो, उसको रोजगार मिलेगा। अभी क्या है कि उसका कहीं सेवायोजन कार्यालय में नाम नहीं, वो गया लिफाफा दिया उसने तुरंत जो है उसका नाम फिट करके उन्होंने दे दिया। इससे बहुत बड़ा घपले है। हमारा ये कहना है कि सेवायोजन कार्यालय तो होना ही चाहिए। सेवायोजन कार्यालय तो रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं है, वो तो एक तरह से उसको बताने के लिए हमें नाम भेजने के लिए एक माध्यम है। ये हम गलत करेंगे, माध्यम नहीं, ये दरअसल क्या है, सेवायोजन कार्यालय जो हमारी आउटसोर्स एजेंसी है ये कराती है, या जैसे हमारे अधीनस्थ चयन आयोग है, UPSC है, तमाम ये कराते हैं। ये तो एक है कि हम जी जी भैया कुछ पत्रकार वार्ता की है, क्या कुछ पूरा मामला है? दरअसल अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेवायोजन का जो पंजीकरण सर्टिफिकेट है उसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया है। हमारा कहना है इससे निश्चित तौर पे हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश के जो युवा हैं उनका हक निश्चित तौर पर मिलेगा। हमारा कहना है कि प्रदेश सरकार जो है त्रिवेंद्र रावत जी की जो सरकार है, इतना भारी लाव लश्कर ऑनरेबल हाई कोर्ट में तैनात है, उसके पैरोकार लगे हुए हैं, लेकिन वो पैरोकार जनहित के मुद्दे पे राज्य के मुद्दे पे उठाने में बिल्कुल भी मैं समझता हूँ फेल हो रहे हैं, बिल्कुल मात में मात खाए जा रहे हैं। एक भी मुद्दा आज तक इन पैरोकारों ने राज्य हित में नहीं दिला पाए। हमारा कहना है कि क्या ये जितने भी पैरोकार हैं, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पैरवी करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में तैनात किए गए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा कहना यह है कि बेरोजगारों के हित में प्रदेश जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, उत्तराखंड जो राज्य पर्वतीय राज्य है, उसमें बेरोजगारों के हक में अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ बचती है तो सरकारी नौकरी बचती है, अगर वो भी नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा युवा। हमारा कहना यह प्रदेश सरकार से कि इस मामले में विधेयक ला करके जो हमारे बेरोजगार हैं, जो परेशान है, उनको न्याय दिलाने का काम करें। अगर इसमें विधेयक नहीं लाती है सरकार, तो जनसंघ मोर्चा इसमें सड़कों पर उतर करके सरकार की नीतियों का विरोध करेगा।